हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफन और आप देख रहे हैं फनटेक चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं अमेजिंग सन टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय printline.in, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट निकल के आता है LG V30 की तरफ से। LG V30 जो है August 31st या September 1st को जो है लॉन्च होने वाला है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको 6 GB का रैम होगा और साथ साथ जो है 6 inches का फुल HD डिस्प्ले और उसी के साथ जो है USB Type-C सपोर्टेड जो है इसमें है, ऐसे बताया गया है। लेकिन ये जो है बाकी सारे स्पेसिफिकेशन जो है लीक नहीं हुआ है, हमें वेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। दूसरा अपडेट यहाँ पर आपको निकल के आता है Mi Max 2 की तरफ से। Mi Max 2 जो है अब लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक को और साथ ही साथ जो है इसका प्राइस है 16,000 रुपीज़ और इसी के साथ जो है स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर यहाँ पर आपको काम में लिया गया है। 6 GB RAM, 4 GB RAM, 64 GB, 128 GB, 12 MP बैक में होगा, 5 MP फ्रंट में होगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर आपको डुअल कैमरा चाहिए तो आप डुअल कैमरा लें, इस मोबाइल को कम्प्लीटली छोड़ दें, क्योंकि ये मोबाइल जो है कम्प्लीटली बकवास होने वाला है। तो तीसरा अपडेट यहाँ पर आपको निकल के आता है शार्प बेजललेस मोबाइल की तरफ से। शार्प बेजललेस मोबाइल जो है अब चाइना में जो है लॉन्च करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद और इसका प्राइस वगैरह जो है हमें नहीं पता चला है। थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन पता चला है कि ये जो है मोबाइल इस तरह होगा। ये मोबाइल जो है एंडी रूबिन का टोटल कॉपीड बताया गया है, लेकिन ये कोई कॉपीड नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंजेस किया है, लेकिन कम्प्लीट बेजललेस है। जैसे कि Xiaomi Mi Mix उसी तरह जो है ये भी होने वाला है। इसमें यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलता है, 5.5 inches का फुल HD डिस्प्ले, 4 GB RAM, 12 MP बैक और 8 MP फ्रंट में होगा। स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर यहाँ पर आपको काम में लिया गया है, ऐसे बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस, लेकिन ये एंडी रूबिन का कॉपीड नहीं है। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें जो है बैक में 360 डिग्री कैमरा एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ बेजललेस मोबाइल है, आप इसे एंजॉय कीजिए लेने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये चाइना में लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए देखते रहिए अपन टेक चैनल। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस रॉक करते रहिए गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद।